कंपनी के स्टॉक की सेल्स डे बाय डे कम होती जा रही है। सर मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं, मैं शेयर करूं? अच्छा, अब घोड़ों की रेस में गधे दौड़ेंगे? मतलब सर? इस ऑफिस में क्या पोस्ट है तुम्हारी? पीए सर। मेरी पीए होकर तुम इन लोगों को ज्ञान बांटोगी जो कि यहाँ इसी काम के लिए अपॉइंटेड है? सर मेरा वो मतलब नहीं था। अपने काम पर ध्यान रखो बस। इस मीटिंग में खड़ी हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम ज्ञान देने लगो। आई एम सॉरी सर। अब आप लोग जा सकते हैं, लेकिन हाँ कल शाम तक मुझे न्यू आइडियाज चाहिए। यहाँ खड़ी क्या कर रही हो तुम? Where is my coffee? तुमको आधे घंटे पहले बोला था ना मैंने। सर मैंने पियून को कब का बोल दिया था आपको कॉफी देने के लिए, उसने अभी तक नहीं दी क्या? अपना काम तो तुमसे ठीक से हो नहीं पाता और दूसरों के काम में तुम ज्ञान बांटने चली आती हो। मुझे कॉफी मिली या नहीं मिली इसका ध्यान कौन रखेगा? आई एम सॉरी सर। आई एम सॉरी। मीटिंग में ज्ञान बांटने से ज्यादा अच्छा है कि अपने काम पर ध्यान दो। अब जाओ जाके मेरी कॉफी भिजवाओ। ओके सर। सब चीजें भी हो सकती हैं। यहाँ क्या कर रही हो तुम? तो? वो सर कुछ बातें कर रहे थे। अपना काम छोड़कर तुम यहाँ बातें कर रही हो? नहीं सर, वो मैम हमें स्टॉक सेल्स इंक्रीज करने के आइडियाज दे रही है। अच्छा, समझाया था ना तुम्हें कि अपने आइडियाज अपने पास रखो। क्या जानती हो तुम सेल्स के बारे में? तुमने एमबीए किए? नो सर। जिसे तुम अपना ज्ञान दे रही हो ना उसने की है, वो भी एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से। तुम जैसी पीए से आइडियाज लेने की कोई जरूरत नहीं है उसको, समझे? सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? और कैसे बोलूं तुम्हें? प्यार से तुम समझ नहीं रही हो। वैसे एक बात ध्यान से सुन लो, अगर आज के बाद ज्ञान देते हुए देख लिया ना तो वो दिन तुम्हारे लिए आखिरी दिन होगा इस ऑफिस में। तुम्हारा काम है सिर्फ मेरे ऑर्डर्स फॉलो करना और चुपचाप वही करो। अगर बहुत ज्यादा आइडियाज आ रहे हो ना तो जाके अपना परिवार को सुनाओ, यहाँ नहीं। आई एम सॉरी सर, मैं आज से ध्यान रखूंगी। यस, तुम्हारे लिए बेटर यही रहेगा। जाओ जाके मेरा काम करो। अरे सर आप। हाँ वो सर आप, तुम्हारा ये आइडिया कि हमें यंग एडल्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और 5 penny स्टॉक के साथ एक स्टॉक फ्री होना चाहिए, बहुत सक्सेसफुल रहा। इस मंथ हमारी कंपनी की सेल्स 60% इंक्रीज हुई है जो कि हमारी कंपनी की रिकॉर्ड सेल्स है। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, बट ओरिजिनली ये मेरा प्लान नहीं था। तो फिर किसका था? रश्मि मैम का। उस दिन जब आप उन्हें डांट रहे थे तो उससे पहले वो इसी प्लान के बारे में बात कर रही थी। एक्सक्यूज़ मी सर, मैं आपके साथ कुछ आइडियाज़ शेयर कर सकती हूँ? सर तो मेरी सुनते ही नहीं है। जी मैम बताइए। सर मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारा टारगेट मिडिल एज पीपल है, पर अगर हम अपना फोकस यंग पीपल पर शिफ्ट कर दें और उन्हें स्टॉक बेचना स्टार्ट कर दें तो हमारी सेल इंक्रीज़ हो सकती है सर। और हम उनको 5 penny स्टॉक के साथ एक स्टॉक फ्री देने की स्कीम भी स्टार्ट करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक हमसे खरीदेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मैम। क्या कर रही हो तुम यहाँ? उन्होंने तो मुझे मना किया था उनका नाम लेने से भी, बट सर मैं किसी और के प्लान पे अपना नाम नहीं लगा सकता ना सर। अभी कहाँ है वो? सर अपनी डेस्क पर। ठीक है, ऐसा करो सब स्टाफ के साथ मेरे कैबिन में आओ। मैंने आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि इस महीने हमारी कंपनी की रिकॉर्ड सेल्स हुई है और इसका सारा श्रेय मेरी पीए रश्मि को जाता है। आई एम रियली सॉरी रश्मि, मैंने कभी तुम्हारे आइडियाज़ की रिस्पेक्ट ही नहीं की। मुझे लगता था कि तुम्हारे पास मार्केटिंग सेल्स की कोई डिग्री नहीं है तो तुम्हें कोई नॉलेज नहीं होगी, पर मैं गलत था। आज तुम्हारे आइडियाज़ की वजह से हमारी कंपनी की सेल्स बढ़ी है। मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, प्लीज़ फॉरगिव मी। नहीं सर, आप माफ़ी मत मांगिए, आप अपनी जगह पर सही थे। वो तो बस मुझे इन कामों में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो सोचा आप लोगों के साथ अपने आइडियाज़ शेयर करें। आज से तुम मेरी बस पीए नहीं हो, पीए के साथ साथ मैं तुम्हें अपना एज ए बिजनेस एडवाइजर अपॉइंट कर रहा हूँ। थैंक यू सर। यू डिजर्व इट रश्मि। क्लैप एवरीवन फॉर माय न्यू बिजनेस एडवाइजर। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus। जोर से बोलो।